उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक तस्वीर ट्वीट कर सभी कयासों और अटकलों पर विराम लगा दिया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट की गई इस तस्वीर में उनके साथ मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, चचा शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव नजर आ रहे हैं। तस्वीर ट्वीट कर अखिलेश ने लिखा, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद अब माना जा रहा है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को मनाने की कवायद पूरी हो गई है और वह स्पष्ट तौर पर चुनाव में डिंपल का साथ देंगे और उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि अखिलेश गुरुवार को लखनऊ से सीधे सैफई आए और यहां शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश के साथ डिंपल भी मौजूद थी। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बैठक हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन से पहले शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी सीट के लिए इच्छा जताई थी, इसलिए माना जा रहा था कि मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल की उम्मीदवारी से शिवपाल यादव खुश नहीं है। हालांकि यादव परिवार यह दावा कर रहा था कि डिंपल की उम्मीदवारी की घोषणा से पहले पूरी परिवार की राय ली गई है। शिवपाल सिंह यादव ने डिंपल को अपना आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन वो उनके नामांकन में नहीं पहुंचे थे। इसे उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि सपा ने चुनाव आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची भेजी है उसमें शिवपाल यादव का भी नाम है। पर बड़ी बात तो ये है कि मैनपुरी हमेशा से सपा का गढ़ रही है और 2017 और 22 के चुनाव के बाद तो सपा वर्चस्व बचाने की लड़ाई ही लड़ रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव इस सीट को जीतने में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, भले ही रूठों को मनाना पड़े और शिवपाल चचा के घर ही क्यों न जाना पड़े।